सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एससी एसटी जाति उपवर्गीकरण का निर्णय संविधान विरोधी है, ऐसा आरोप लगाते हुए यह निर्णय संसद रद्द करे और अनुसूचित जाति जमाती के न्याय अधिकारों के लिए एससी एसटी जाति को स्वतंत्र मतदार संघ मंजूर करे, ऐसी मांग आरक्षण बचाव कृति समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से की गई। अरुण गाड़े, अध्यक्ष कास्ट ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ और आरक्षण बचाव कृति समिति का कोऑर्डिनेटर। आज हमने आरक्षण बचाव कृति समिति के माध्यम से 1 अगस्त 2024 को जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में हमारी ये पत्र परिषद थी। पहला, ये जो निर्णय दिया है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में सब क्लासिफिकेशन करने का वो गलत निर्णय है, क्योंकि 2004 का जो निर्णय था इसके पहले में वो 5 जजेस के बेंच ने दिया था और उन्होंने वर्गीकरण जायज नहीं करके निकाल दिया था, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। क्रिमिनल ईयर की कहीं पर भी बात न होने के बाद भी, कोई केस न होने के बाद भी क्रिमिनल ईयर लगाना ये अनुचित है, संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इंदिरा सहनी प्रकरण में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्रिमिनल ईयर नहीं लगाने का 11 जजेस बेंच ने निर्णय दिया था, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया और क्रिमिनल ईयर लगाने की बात कही है। निर्णय ने दिया है, सुझाव दिया है राज्य को, और सुझाव देने के बाद वो तो इम्प्लीमेंट होना ही है, क्योंकि आरक्षण विरोधी बैठी है कि अनुसूचित जाति जमाती को कैसा आरक्षण खत्म कर देना जाए, क्योंकि मेरिट के नाम पर सेव मेरिट सेव नेशन करके इन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। और आज जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अपने मेरिट के ऊपर ओपन कैटेगरी में आते हैं तो ओपन कैटेगरी भी बंद कर दी, जिस कैटेगरी से आप आए हो उसी में आपका समावेश होगा, इस प्रकार के आरक्षण का इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया है। और ये इसलिए ओबीसी की आपने बात की है, मंडल आयोग लागू हुआ, 52% ओबीसी को आपने 27% आरक्षण दिया, और उसमें भी आपने सुप्रीम कोर्ट ने खाली क्रिमिनल ईयर लगा के उनका आरक्षण खत्म कर दिया। आज ओबीसी का सिर्फ 4% तो उनका फायदा हुआ है, क्यों? आप हजारों साल से 100% आरक्षण ले रहे हो तो आपको शर्म नहीं आती है हमारा आरक्षण को लेने का? आपने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से और 10% आरक्षण लिया है, फिर हमारे आरक्षण के ऊपर आपके पेट में क्यों दर्द है? इसके खिलाफ हम आंदोलन करने वाले हैं। 21 अगस्त को हम भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। हम कहते हैं अनुसूचित पूरा जातिगत जनगणना होनी चाहिए और पूरे जुडिशरी में आरक्षण लगना चाहिए। और तीसरी बात, जुडिशरी का न्यायिक आयोग गठित करके उनकी नियुक्ति की जाए। और सबसे बड़ी बात है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण संविधान के शेड्यूल 9 में समाविष्ट करें। ये मांगों के साथ हमारा आंदोलन चालू रहेगा। हम आने वाले सीजन, क्या बोलते हैं उसको, संसद के अधिवेशन में संसद को घेराव करने जा रहे हैं, और जब तक संसद को पूरा अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट का न्याय बदलने के निर्णय बदलने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, और पार्लियामेंट ने ये निर्णय बदलना चाहिए, नहीं तो हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। धन्यवाद। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ आचल लोखंडे, नागपुर। नेशनल हैंडलूम कंज्यूमर एक्सपो 2024, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट के सभी प्रोडक्ट्स अब पाइए एक ही छत के नीचे, जहां मुख्य आकर्षण में उपलब्ध है कश्मीरी साड़ी, कोलकाता साड़ी, कोसा सिल्क, बनारसी सिल्क, भागलपुरी लिनन साड़ी, खादी शर्ट, कॉटन शर्ट, खादी कुर्ती, अफगानी सूट, जयपुरी बेडशीट, फैंसी ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, राजस्थानी एंटीक ज्वेलरी, फिरोजाबाद बैंगल, गाउन, कारपेट, वेस्टर्न टॉप, टेराकोटा पॉट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, राजस्थानी ज्योति, बॉम्बे सैंडल, बेड एवं सोफा कवर्स, राजस्थानी बैग, पश्मीना शॉल, कश्मीरी कुर्ती, मुखवास एवं चूरण, पापड़, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक, सरानपुर फर्नीचर और भी बहुत कुछ, जिसमें आपको मिलेगी 20% तक की छूट। इस भव्य प्रदर्शनी व बिक्री में जुड़िए हमारे साथ। तारीख 24 जुलाई 2024 से भव्य शुभारंभ, दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। प्रवेश निःशुल्क है।
तो आइए और लाभ उठाइए, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। हमारा पता हनुमान मंदिर ग्राउंड, रामनगर चौक, नागपुर। अवश्य पधारे।